Hi friends, let's start our morning with a very fresh topic, coordinate geometry. Coordinate geometry. I am sure that you have not learned in your previous classes. This is very new topic and I am sure you have not learned in your previous classes. So I hope you will give lots of time to understand the basic fundamentals of this topic. Friends, coordinate geometry के पहले आपने geometry, algebra, arithmetic ये सब तो सुना है और पढ़ा है, ठीक है? Arithmetic में आपने numbers के साथ खेलना सीखा, how to solve numbers. Then आपने algebra पढ़ा. Algebra में you used so many variables, x, y, z, a, b, c, उनके mixed equations, how to add them, how to subtract them. And then आपने geometry भी पढ़ा हुआ है. Geometry में you learn that figures, about figures like triangle, rectangle, square, quadrilateral, etc. ठीक है, circle and etc. etc. But you never learned about coordinate geometry. This is a brand new topic, so I want to start with a big bang. Fine. Coordinate geometry जो होता है, इसका concept कहाँ से आया हम? ये क्यों click हुआ कि इसका invention किया जाए? तो एक हमारे बहुत ही senior mathematician थे, René Descartes. उन्होंने ये उनको अचानक एक दिन बेड पे जब वो लेटे हुए थे, तो उन्हें idea आया कि ये टॉपिक का इन्वेंशन किया जाए. उनको इसकी नीड क्यों महसूस हुई, व्हाई इट वाज नीडेड टू डिस्कवर. फाइन. सो लाइक आई एम टेलिंग, वी आर इन द क्लासरूम, ठीक है? यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स हैं और आप लोग सब बैठे हुए हैं. कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, एंड दे ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रोज एंड कॉलम्स. सपोज आई गो आउटसाइड एंड इफ समवन आस्क्स मी वेयर इज राम और वेयर ही इज सिटिंग, सो वॉट आई विल बी माई आंसर. मुझे समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. मुझे उसे बताना पड़ेगा कि सेकेंड रो में थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे जहाँ भी वो बैठा हुआ है, मुझे उसको एक्सप्लेन करना वॉज सो डिफिकल्ट. ठीक है, लाइक आप फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल का जो पिच होता है, जो बनाया जाता है फुटबॉल कोर्ट, आपने हमेशा देखा होगा फुटबॉल कोर्ट ऐसा होता है. ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ये तो सभी जानते हैं. फुटबॉल कोर्ट तो सब लोग जानते हैं क्योंकि फुटबॉल का हम लोग को देखने का बहुत शौक होता है. ऐसे प्लेयर्स जो है वो स्कैटर्ड होते हैं. अब अगर इसकी पिन पॉइंट पोजीशन पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे? तो रेने डिकार्ट्स जो थे, उनको आइडिया आया कि कोई भी पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए. जैसे फुटबॉल कोच जो होता है वो अपने प्लेयर की पोजीशन पता करने के लिए अपने माइंड में एक आइडिया लगाता है कि इस लाइन के राइट साइड में ये वाला प्लेयर रहेगा, नेट के पास ये वाला प्लेयर रहेगा, गोलकीपर वहाँ रहेगा. तो ये एक वो आइडिया अपने दिमाग में लगाता है. तो ऐसे ही रेने डिकार्ट्स को क्लिक हुआ कि हमको भी कुछ ऐसा डिस्कवर करना चाहिए कि हम किसी पॉइंट की पर्टिकुलर पोजीशन पता कर सके. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उनके माइंड में आए, लाइक क्लासरूम है उसमें जो बच्चे बैठे हैं तो वो स्टूडेंट्स कहाँ पर कैसी लोकेशन में बैठे हैं, हम उसको कैसे पता करेंगे? या कोई एक पॉइंट है और अगर हमें इसे लोकेट करना है तो हम इसे कैसे लोकेट करेंगे? सपोज ये एक पॉइंट है, अब अगर मुझे ही आपको इसको डिस्क्राइब करना है कि ये पॉइंट कहाँ है, तो विदाउट एनी सिस्टम अगर मैं आपको इसे डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर मी. लाइक मैं क्या बोलूँगी, सबसे पहले इस फिगर का हाफ कर दीजिए, हाफ के अबाउ साइड में मुझे क्लू देने पड़ेंगे आपको. तो मैं क्या क्लू दूंगी, इस फिगर का हाफ कर दीजिए, हाफ के अबाउ साइड में मेरा पॉइंट है, बट अभी भी उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है. अबाउ में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. फिर मैं कहूँगी उसके 1/4 हिस्से कर दीजिए, तो हमने उसके 4 टुकड़े कर दिए.
अब मैं कहूंगी 1/4 रीजन जो है उसमें वो पॉइंट लोकेटेड है, बट यहाँ पर 4 1/4 रीजन है और अबव साइड में 2 1/4 रीजन है, फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि राइट साइड में मेरा पॉइंट है, तो ये राइट साइड में पॉइंट आ जाएगा, बट स्टिल उसकी एग्जैक्ट पोजीशन या यूनिट्स में या सेंटीमीटर में या कोई मेजरमेंट के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने आए, उनको सडनली वाइल्ड ही वॉज स्लीपिंग ही गॉट एन आइडिया कि देयर शुड बी अ सिस्टम विच इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम जो है वो रेने डिकार्ट्स के नाम पे ही इनोवेट हुआ है। सो टुडे इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट कार्टेशियन सिस्टम्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। उससे पहले मैं आपको एक दो और छोटे एग्जाम्पल देना चाहूँगी। कई लोग पोर्ट्रेट या आर्टिस्ट जो होते हैं वो पेंटिंग्स बनाते हैं, ठीक है? तो वो लोग जब पेंटिंग्स बनाते हैं तो वो क्या आइडिया यूज करते हैं? सब करते हैं ये जरूरी नहीं है, पर कुछ आर्टिस्ट जो हैं इस टाइप का आइडिया को फॉलो करते हैं। वो ऐसे कैनवास लेते हैं और फिर उन्हें यहाँ जो भी फिगर बनाना है, आई एम नॉट गुड आर्टिस्ट तो आई कांट मेक पोर्ट्रेट, बट ऐसी कोई फिगर बनानी है तो वो इस तरीके का एक आइडिया लेते हैं, ठीक है? ऐसे एक और एग्जाम्पल जो हमने क्लासरूम का डिस्कस किया कि हमारे पास ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं और फ्रंट में टीचर है, यहाँ पर टीचर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये रोज एंड कॉलम्स हुए, इनमें कहीं एक स्टूडेंट बैठा हुआ है राम, तो हमें इसकी पोजीशन लोकेट करनी है। तो हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो ना भी करें तो हम अपना जो अगर माइंड चलाएंगे तो वो ये चलाएंगे कि हम रोज़ देखेंगे, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो हम इसे नाम दे देंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। मेरी क्लास में 4 रोज़ हैं और कॉलम्स देख लेंगे, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, ठीक है? अब ये हमारी छोटी सी क्लास है, इसमें अगर हमें इस पर्सन की लोकेशन को किसी को एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे यूज करेंगे? हम कहेंगे सेकेंड नंबर की रो में फोर्थ नंबर की कॉलम पे राम बैठा हुआ है। बट फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो उसको भी समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और हमें एक्सप्लेन करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सो माई पर्पस इज टू से दैट दिस इज अ वेरी ब्रांड न्यू टॉपिक, सो यू शुड स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और जिससे आपका इसमें इंटरेस्ट आ सके। एंड इन ग्रेड 9 इट इज़ वेरी शॉर्ट टॉपिक, यहाँ पर हम आपको केवल बेसिक्स बताएंगे, बाकी इसकी अगली क्लासेस में आपको इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है, बट योर बेसिक शुड बी क्लियर सो दैट फॉर फर्दर क्लासेज यू विल नॉट हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। वैसे ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, ईजी भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? सो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जब हमारे सामने आए तो हमें कार्टेशियन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। कार्टेशियन सिस्टम को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगी। इन आवर लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे नंबरों के बारे में पढ़ा, बट हमने उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया वो भी पढ़ा। तो इस टॉपिक का हमारा कनेक्शन नंबर सिस्टम से ही है, तो पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम को रिकॉल करेंगे, ठीक है? नंबर लाइन क्या होती है? ये हमारी वन डायमेंशनल नंबर लाइन है, मीन्स ये एक ही डायरेक्शन में नंबर लाइन हमने ली हुई है, या इसका बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, यू ऑलवेज यूज स्केल, स्केल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नंबर लाइन, ठीक है? नंबर लाइन में हमारा सबसे पहले एक पॉइंट होता है ओ और जीरो, विच इज कॉल्ड ओरिजिन। इसके बिना हमारी नंबर लाइन पॉसिबल नहीं है। जीरो के राइट साइड में जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे जो कि हमारे स्केल में होते हैं। स्केल जो हमारी स्टार्ट होती है वो हम जीरो से मानते हैं, और आपके पास 6 सेंटीमीटर की छोटी है या 12 सेंटीमीटर की है या उससे भी बड़ी है, बट दे ऑल आर पॉजिटिव। तो ओरिजिन के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, एंड ओरिजिन या जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होंगे दे विल कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव नंबर्स। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स एंड ये हो गए हमारे नेगेटिव नंबर्स। अब
जो हमारी स्केल या नंबर लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम मानते हैं दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट। ठीक है, हमेशा हम 0 से 1 तक का जो मेजरमेंट है उसको 1 यूनिट मान के चलते हैं, और उतना ही मेजरमेंट हर जगह प्रॉपरली मेंटेन होता है। लाइक ये 1 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 1 यूनिट है एग्जैक्ट, एंड यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 1 यूनिट है, एंड सो ऑन। तो मीन्स हम हमारी नंबर लाइन को यूनिट्स के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। फिर नेगेटिव साइड में भी सेम पैटर्न होता है, 0 से -1 का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट कंसीडर होगा, और यू कैन से 1 सेंटीमीटर, पर हम स्केल की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज आर नंबर लाइन सो वी विल यूज 1 यूनिट। देन -2, -3 एंड सो ऑन। फाइन, तो दिस इज आर नंबर लाइन। फिर हमने इस पे कुछ पॉइंट्स को लोकेट किया, लाइक आई हैव अ पॉइंट P which is 3 units, or I have another point Q which is 3.7 units। ठीक है, सो हम उसको कैसे लोकेट करेंगे, 0 से 1, 1 से 2 unit एंड 3, ये हमारे 3 units हो गए। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा पॉइंट है दिस इज P, उसकी मेजरमेंट अगर हम बोलें तो वो कितनी है 3 units। दूसरा पॉइंट हमारा है Q विच इज 3.7, तो हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा जो पॉइंट आएगा वो होगा Q, और ये जो मेजरमेंट है यहाँ की वो कितनी होगी 3.7। अनदर पॉइंट, आई हैव अनदर पॉइंट R विच इज -4.5। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसे 5 तक लिया हुआ है। अब मुझे R पॉइंट को लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, हम पूरे यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ तक आया, 5 इसके बिल्कुल मिड में आएगा, तो दिस इज आर पॉइंट R, और उसकी अगर हम यूनिट में मेजरमेंट बोलें तो वो कितनी है -4.5। माइनस उसका डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, सो इस तरह से हमने नंबर लाइन तो ऑलरेडी नंबर सिस्टम में पड़ा हुआ है, अब हम धीरे धीरे कार्टेशियन सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। कार्टेशियन सिस्टम भी एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड है, बट वहाँ पर एक नंबर लाइन नहीं, हम 2 नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, एक हम हॉरिजॉन्टल लेंगे, एक हम वर्टिकल लेंगे, क्योंकि रेने डिकार्ट्स ने जब इसको इनोवेट किया सो ही यूज्ड 2 नंबर लाइंस और 2 लाइंस विच इंटरसेक्ट एट ओरिजिन 0 एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंडीशन ये थी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो अब मैं उस पर आने के लिए आपको थोड़ा सा परपेंडिकुलर बताती हूँ। परपेंडिकुलर मतलब होता है एक लाइन उसके ऊपर जो दूसरी लाइन फॉल हो रही है, तो वो एंगल जो बनाएगी वो होना चाहिए 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, और आपको पहले से ही पता है कि दिस टोटल एंगल विल 180 डिग्री। तो ये लाइन सपोज ये L है एंड ये M है, तो आप लिख सकते हैं M इज परपेंडिकुलर ऑन L। परपेंडिकुलर को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, परपेंडिकुलर का मतलब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर फॉल हो रही हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री का, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा। 90 से कम एक्यूट होता है एंड 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, मीन्स 90 से कम 89, 70, 60, 40, 50 जो भी हैं वो सारे एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आएंगे, और 90 से 180 के बीच के जितने एंगल हैं वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी 2 लाइन है L एंड M, एंड दोनों मिलके जो एंगल बना रही हैं वो 90 डिग्री बना रही हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज M इज परपेंडिकुलर ऑन L।
ऐसे ही उन्होंने दो लाइंस ली जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री बना रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट को उन्होंने ओरिजिन या ओ कंसीडर किया। ठीक है, अभी हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, दो दो परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे। सो आई हैव टू लाइंस, वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक दूसरे के ऊपर ऐसा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, मैं अंदाज से बना रही हूँ, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, बट मैं मान के चल रही हूँ कि ये सारे एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, दिस इज एल, दिस इज एम, और ये इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। इन दिस केस ऑल्सो ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री चारों एंगल बन रहे हैं, मीन्स टोटल एंगल जो है 360 है, जो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीन्स परपेंडिकुलर है। ऐसा भी हो सकता है, कैसी भी वो हो सकती हैं, वो क्रॉस भी कर सकती हैं, उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट ही कंसिडर्ड ओनली दोस केस जो एकदम एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में परपेंडिकुलर बना रहे हैं। सो दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स लेफ्ट टू राइट। अभी भी ये दोनों केस सेम है, बट उन्होंने जो कंसिडर किया वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाला केस ही कंसिडर किया। ठीक है, सो ये हमारी दो लाइन हो गई जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, और सॉरी वर्टिकल है एंड हॉरिजॉन्टल है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है दिस इज ओ, एंड ये एंगल जो बना रही है वो चारों 90 डिग्री है, मींस कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो ये वाला केस कंसिडर करते हुए अब हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गई वर्टिकल एक्सिस और ये हो गई हॉरिजॉन्टल, ये तो हम ऑलरेडी नंबर लाइन बनाते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। सिमिलरली उन्होंने इस एक्सिस पे भी एक पॉइंट लिया, उसके अपवर्ड्स डायरेक्शन के पॉजिटिव हो गए, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के नेगेटिव हो गए। ठीक है, ये जो नंबर लाइन है उसको एक्स और एक्स डैश के नाम से मेंशन किया जाता है, और ये वाली जो लाइन है दिस इज कॉल्ड वाई एंड वाई डैश। ठीक है, यही नंबर लाइन है, इसको हमने केवल वर्टिकली खड़ा कर दिया है और ये हॉरिजॉन्टली है, लाइन सेम ही है बट उसके डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है। अब अगर हम इन दोनों लाइन को मिला दें तो हमारे पास जो सिस्टम फॉर्म होगा दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, एंड विच इज नेम्ड एज कार्टेशियन बिकॉज द मैथमेटिशियंस नेम वॉज रेने डिकार्ट्स, तो उसी से ये वर्ड लिया हुआ है कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, और ये उन्हीं मैथमेटिशियन के नाम से निकाला गया है। अब हमने ये दो ले लिए लाइंस, एक्सिस हम बोल सकते हैं इन्हें, ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दिस इज ओ और जीरो और ओरिजिन। ठीक है, एंगल जो ये फॉर्म कर रही हैं सारे 90 डिग्री हैं, यस मींस ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जीरो के राइट साइड के जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, मैं इन एंगल्स को रब कर देती हूँ। मैंने इसे रब इसलिए किया है कि कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा डायग्राम में, हमको डायग्राम बहुत इजी फॉर्म में चाहिए। राइट साइड वाले जो भी होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 5। सिमिलरली अपवर्ड्स डायरेक्शन के जो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट साइड के जो भी होंगे नेगेटिव होंगे, एंड डाउनवर्ड्स जो भी होंगे वो भी नेगेटिव होंगे।
क्योंकि आपने अभी नंबर लाइन देखी, उसके जीरो के एक तरफ के सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और जीरो के एक तरफ के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। तो सेम ये नंबर लाइंस है, बट ये टू नंबर लाइंस है, इसलिए इस फिगर को हम बोलेंगे टू डायमेंशनल फिगर। सो ही डिस्कवर्ड कार्टेशियन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ टू नंबर लाइन और टू डायमेंशनल लाइंस, ठीक है, विच शुड बी परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट ओ। फाइन, ये हो गया। अब इसकी नेमिंग हम दें, इसको हम एक्स बोलेंगे और इसे हम एक्स डैश बोलेंगे। मीन्स जीरो से राइट साइड के जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उसको हमने डिनोट किया है एक्स से, एंड जीरो के जो लेफ्ट साइड के नंबर्स हैं तो उसको हम एक्स डैश बोलेंगे। मीन्स ये जो लाइन हुई, दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो है वो कौन सी हुई, एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश, एंड इसको नेमिंग देंगे। सो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। तो ये नंबर लाइन जो हुई इसकी नेमिंग क्या होगी, वाई ओ वाई डैश। ये क्लियरली शो कर रहा है ओरिजन के लेफ्ट साइड, ओरिजन के राइट साइड। तो ये लाइन के नेम्स हो गए एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब इस पे हम पॉइंट्स को कैसे लोकेट करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो पर्पस था वो यही था कि कोई अगर पॉइंट या कोई बंदा किसी जगह पर बैठा हुआ है तो हम उसे कैसे लोकेट करेंगे, हम उसे किसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो पर्सन कहाँ है। लाइक हम घर, सबके घर हमें पता होते हैं, हम कैसे किसी को घर लोकेट करते हैं, हम एक रोड देखते हैं सबसे पहले, फिर रोड का राइट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड देखते हैं, फिर राइट साइड में भी कितनी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। देखिए ये भी एक एग्जांपल होता है बहुत अच्छा। लाइक हमें किसी का घर एक्सप्लेन करना है तो हम सबसे पहले रोड देखते हैं, रोड के राइट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड देखते हैं। राइट साइड में बहुत सारी स्ट्रीट बनी होती है, उनमें बहुत सारे मकान होते हैं। सेम लेफ्ट साइड में बहुत सारी स्ट्रीट्स होती हैं एंड बहुत सारे हाउसेज होते हैं। मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रीट में थ्री हाउसेज हैं, सेकेंड स्ट्रीट में एक ही है, इसमें चार हैं। अब हमें किसी को ये वाला घर लोकेट करना है, मान लीजिए ये वाला घर लोकेट करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम रोड देखते हैं, हम सबसे पहले बोलेंगे हम उस रोड पे जाएंगे, लाइक दिस इज एमजी रोड, तो हम एमजी रोड पे जाएंगे, फिर एमजी रोड की राइट साइड पे थर्ड वाली स्ट्रीट पे जाएंगे एंड थर्ड वाली स्ट्रीट पे फोर्थ नंबर का जो हाउस है वो फलाने फलाने सर का हाउस है जिनको हमें बताना है। तो सेम चीज अब हम एक्सेस के थ्रू बताएंगे, उसमें हम एक एक्स एक्सेस लेंगे, एक वाई एक्सेस लेंगे, टू डायमेंशनल फिगर लेंगे और अब हम पॉइंट को लोकेट करेंगे। पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक छोटा सा कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक आई हैव टू लोकेट टू थ्री। हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, फिर मैं पॉइंट को लोकेट करूंगी। कार्टेशियन सिस्टम जब डेवलप हुआ तो कार्टेशियन सिस्टम के साथ उन्होंने कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करी, विच इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पहले मैं आपको एक टर्म्स बता देती हूं सो दैट यू कैन ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए उन्होंने बोला वो हमेशा ऐसे ब्रैकेट्स में लिखा जाएंगे जिनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। उसमें फर्स्ट पोजीशन पर जो होगा वो हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, मींस जो भी नंबर होगा वो एक्स कहलाएगा, एंड सेकेंड पोजीशन पर जो भी नंबर होगा वो वाई कहलाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में जब भी हम ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट्स को लिखने की या नंबर्स को लिखने की कोशिश करेंगे तो पहले हम एक्स लिखेंगे एंड सेकेंड नंबर पे हम वाई लिखेंगे, या अगर हमें ऐसा दिया हुआ है तो हम ऑटोमेटिकली समझेंगे कि दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई कोऑर्डिनेट। मींस ये वाले नंबर को हमें एक्स पे प्लॉट करना है एंड ये वाले नंबर को हमें वाई पे प्लॉट करना है। सो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।
ओरिजन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ओरिजन मैंने आपको अभी बताया दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो जो पॉइंट होगा वो ओरिजन होगा। लाइन कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बट हम लोग जो केस लेते हैं वो ये वाला केस लेते हैं। बाकी ये बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, बट जो हम स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करेंगे दिस इज वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ऑर्डर्ड पेयर बोला, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स वही इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट, यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर वाई का कोऑर्डिनेट होगा, तो इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। एंड इन शॉर्ट आई विल यूज द वर्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एंड लाइन्स तो मैंने आपको बता दी है, और अगर कुछ मुझे लगेगा तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती जाऊँगी। सो नाउ आई हैव टू प्लॉट 2, 3, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है 2, 3। सो हाउ आई विल प्लॉट, 0 से 1, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, क्लियरली मैंने आपको बताया है, तो 1 एंड 1 से 2, सो दिस इज आर 2, एंड 3, 1, 2 यूनिट चलेंगे एंड 3 यूनिट चलेंगे, सो दिस इज आर 3। इसको हम ज्वाइन करेंगे लाइक ग्राफ पेपर जो होता है उसके थ्रू हम इसे बनाएंगे। सो ये हमारा जो पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट का नेम था पी, इसको मैं नेमिंग दे देती हूँ, दिस इज पॉइंट पी, तो ये हमारा 2, 3 होगा, सॉरी 2, 3, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज आर 2, 3, तो हम कैसे उसको समझेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, सेकेंड पॉइंट जो होगा वो हमेशा वाई के लिए होगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक्स कैन टेक एनी वैल्यू एंड वाई कैन टेक एनी वैल्यू, वो डेसिमल्स में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। लाइक एक और पॉइंट लेते हैं क्यू विच इज 5/2 एंड 6/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी न्यूमरिक वैल्यू निकालेंगे, 5/2 मीन्स 2.5 एंड 6/2 मीन्स 3। अब हम इसको प्लॉट करेंगे 2.5 एंड 3, सो दिस इज आर 1, दिस इज 2 यूनिट्स, 2.5 इनके बीच में आएगा, सो दिस इज आर 2.5 एंड अनदर इज 3, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ आके ज्वाइन होगा, सो दिस पॉइंट इज आर क्यू विच इज 5/2 एंड 6/2 और 2.5 एंड 3, फाइन। सो ऐसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे सिस्टम पे, ठीक है। अब हम छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू प्लॉटिंग सीखेंगे, हाउ टू प्लॉट पॉइंट्स और हाउ टू लोकेट पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन सिस्टम। मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाती हूँ, अभी हम एक फ्रेश डायग्राम बनाएंगे। पैटर्न हमेशा सेम रहेगा, दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, ये पॉजिटिव साइड होगा, ये नेगेटिव साइड होगा, ठीक है। -1, -2, -3, -4 एंड ये भी सेम -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, वी कैन एक्सटेंड आवर डायग्राम एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नंबर सिस्टम के नोटेशंस तो क्लियर हो गए, बट जब ये दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करी तो आप देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो दिस फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ।
देखिए, जब ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनने चार पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर लिया है, तो उसको जो नेमिंग दी गई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइक हम लोग पिज्जा हमेशा खाते हैं, पिज्जा की अगर हमने चार पीस कर दिए, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इसको हम क्वार्टर बोल सकते हैं, दिस इज सेकेंड क्वार्टर, दिस इज थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज फोर्थ क्वार्टर। तो सेम पैटर्न में उस इनको जो नेमिंग दी गई है, क्वाड्रेंट्स दी गई है। अब ये क्वाड्रेंट्स के कारण हम बहुत सी चीज़ों को बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे नंबर जो आएंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, मीन्स एक्स भी जो होगा पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट्स भी जो होंगे पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड में जितने नंबर्स हैं एक्स के वो पॉजिटिव हैं, और ओरिजिन के अपवर्ड साइड्स में जितने वाई के नंबर हैं वो भी पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहचानने के लिए हमेशा कैसे पता करेंगे? उसके दोनों कोऑर्डिनेट जो होंगे वो प्लस में होंगे, लाइक वन एंड टू और थ्री एंड फोर, कुछ भी हो सकते हैं पर वो सब प्लस में होंगे। एक्स की वैल्यूज भी प्लस में होंगी एंड वाई की वैल्यूज भी प्लस में होंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये y है, y तो पॉजिटिव है बट x जो होगा वो नेगेटिव है। कैसे? जीरो के इस साइड के जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव। तो हम फर्स्ट उस पर क्या लिखा जाता है? x, एंड सेकेंड प्लेस पे क्या लिखा जाता है? y। तो फर्स्ट प्लेस पे x है एंड x के कोऑर्डिनेट जो है वो सारे नेगेटिव है, बट y अभी भी अपवर्ड्स वाला ही है, तो y के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव है। नाउ इस केस में अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, प्लस प्लस, प्लस माइनस, या क्या आएंगे साइन, आप बता सकते हैं क्लियरली? बताइए, गैस करिए। यस, दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट्स भी नेगेटिव होंगे, वाई के कोऑर्डिनेट्स भी नेगेटिव होंगे। बोथ एक्स एंड वाई विल नेगेटिव। वाई? बिकॉज जीरो के लेफ्ट साइड है ये एंड जीरो के डाउनवर्ड्स है ये, तो दोनों एक्सेस जो इस डायरेक्शन में है वो क्या बताती हैं? नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस इज नेगेटिव नेगेटिव। एंड नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसकी लोकेशन क्या होगी? एक्स और वाई की। सोचिए, वाई की नेगेटिव है बट एक्स की पॉजिटिव है, ठीक है? सो ये चार क्वाड्रेंट को उन्होंने साइन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करके हमें समझाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा तो हमें ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए कि बोथ वैल्यू विल बी पॉजिटिव, एंड इफ वी हैव सेकेंड क्वाड्रेंट देन हमको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि एक्स नेगेटिव होगा एंड वाई पॉजिटिव होगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट अचानक से हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को देखते से, अगर दोनों साइन माइनस है मींस पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एंड अगर एक्स प्लस है एंड वाई माइनस है तो हमें अचानक क्लिक होना चाहिए कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है? सो पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए बहुत सारे उन्होंने इजी टेक्निक्स हमें दिए, तो हम जल्दी से बता सकते हैं कि पॉइंट की लोकेशन कहाँ होगी। लाइक आई एम सेइंग माइनस टू माइनस थ्री, तो इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज आई एम सेइंग माइनस टू मीन्स एक्स इज माइनस एंड माइनस थ्री मीन्स वाई इज ऑल्सो माइनस। कब माइनस होता है एक्स? जब जीरो से लेफ्ट साइड में होता है। एंड वाई कब माइनस होता है? जब जीरो से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, तो वो कहाँ लाई करेगा माइनस टू माइनस थ्री? यहाँ पर। तो ऐसे हमें क्लिक होना चाहिए कि पॉइंट्स की लोकेशन कहाँ होगी एग्जैक्टली, और जब हम इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे, तो हम इस सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं एंड किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एंड उनका पर्पस ही ये था कि हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन और हाउ टू लोकेट अ पॉइंट थ्रू अ कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है? तो अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लें।